क्या बुल का स्पर्म डालकर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है? रेड बुल गिव्स यू विंग्स, ये वाला एड तो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, जिसमें कहा जाता है कि रेड बुल पीने के बाद इंसान हवा में उड़ने लगता है। यानी हमने किसी को भी उड़ते हुए नहीं देखा, पर हम ये पक्के तौर पर कह सकते हैं कि रेड बुल पीने के बाद शरीर में ऐसा कुछ जरूर होता है जिसके बाद इंसान अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता। रेड बुल शराब की तरह नहीं है कि इसे पीने के बाद नशा चढ़ जाए, लेकिन इसे पीने के बाद दिमाग में एक ऐसा झटका लगता है कि इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। पर आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या वाकई में रेड बुल के अंदर बुल का स्पर्म डाला जाता है? और क्यों रेड बुल बाकी कोल्ड ड्रिंक के मुकाबले में इतनी ज्यादा महंगी मिलती है? आज के इस वीडियो में सभी सवालों के जवाब मिलेंगे, बस हमारे साथ इसी तरह बने रहें। रेड बुल के बारे में कई सारे लोगों को लगता है कि ये एक अमेरिकन ब्रांड है, पर ऐसा नहीं है। इसे थाईलैंड के एक बहुत ही आम इंसान ने खेतों में काम करने वाले लोगों के लिए बनाया था, जो सारा दिन काम करते करते थक जाते थे। थाईलैंड के चेलियो नाम के एक लोकल बिजनेसमैन ने इसे बनाया था, जो कि सस्ती होने के साथ ही स्वाद में भी काफी अच्छी थी। इसलिए लॉन्च होने के कुछ ही समय के बाद ये थाईलैंड के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई, और मात्र कुछ ही सालों के अंदर ये एनर्जी ड्रिंक थाईलैंड की नंबर वन एनर्जी ड्रिंक बन गई। वैसे भी ये ड्रिंक थाईलैंड में बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, लेकिन अभी दुनिया भर में इसकी पहचान होनी बाकी थी। फिर एक चमत्कार होता है जो इस एनर्जी ड्रिंक की किस्मत बदल कर रख देता है। असल में साल 1985 के दौरान फेमस ऑस्ट्रेलियन बिजनेसमैन ड्रिटरिश थाईलैंड गए, और लंबी प्लेन यात्रा की वजह से वो जेट लैग का शिकार हो गए। यानी कि जब लोग लंबी हवाई यात्रा करते हैं तो अलग अलग वातावरण के कारण नींद ना आना, चक्कर आना और सिर दर्द जैसी बहुत सारी तकलीफें होने लगती हैं। थाईलैंड आकर इन्हीं सारी तकलीफों से वो जूझ रहे थे। ड्रिटरिश को किसी ने कहा कि एक एनर्जी ड्रिंक जिसे पीने के बाद उनकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, और इसीलिए उन्होंने तुरंत इस एनर्जी ड्रिंक की एक बोतल पी ली, जिसे पीने के बाद पूरी तरह ठीक हो गए। ड्रिटरिश को ये ड्रिंक इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने रेड बुल बनाने वाले चेलियो के साथ मिलकर इस एनर्जी ड्रिंक को दुनिया भर में बेचने का प्लान बनाया। धीरे धीरे ये ड्रिंक ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस जैसे बड़े बड़े देशों में बिकना शुरू हो गई, लेकिन ये सबसे ज्यादा कामयाबी इसको तब मिली जब इस ड्रिंक को अमेरिका में लॉन्च किया गया, जिसने वहां जाते ही तहलका मचा दिया। शुरुआत में रेड बुल की कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं की गई थी, बल्कि इसे शराब खाना और क्लब्स वगैरह में मुफ्त में बांटा गया। और जब ये देखा गया कि अब कई सारे नौजवानों को रेड बुल पसंद आने लगी है, तो उसके बाद ही रेड बुल को सही कीमत लगाई गई, क्योंकि तब तक रेड बुल लोगों के बीच इतनी ज्यादा फेमस हो गई थी कि वो इसे कहीं भी कोल्ड ड्रिंक्स के मुकाबले महंगे दामों में खरीदने को तैयार थे लोग। हालांकि रेड बुल के सामने मुश्किलें तब आई जब जर्मनी ने इस पर पाबंदी लगा दी, क्योंकि वहां पर किए जाने वाले एक टेस्ट के मुताबिक ये पता चला कि रेड बुल के कैन के अंदर 0.4% कोकेन पाई जाती है, जिससे साफ जाहिर होता है कि इस एनर्जी ड्रिंक के जरिए नौजवानों को नशे की आदत लगाई जा रही है। ये केस काफी लंबे समय तक चलता रहा, लेकिन रेड बुल कंपनी ने कैसे भी करके इस केस को बंद करवा दिया। लेकिन दुनिया तब हैरान हो गई जब ऑस्ट्रिया में रहने वाले एक शख्स ने रेडबुल के ऊपर बहुत ही अजीबोगरीब केस कर दिया। उसका कहना था कि मैं बहुत समय से रेडबुल पी रहा हूं, लेकिन मेरे पंख अभी तक नहीं निकले, और जज की कुर्सी पर बैठा इंसान भी कुछ कम सनकी नहीं था। तभी दोस्त ने कहा कि तुम्हारी बात भी ठीक है, रेडबुल ने तुम्हारे साथ धोखा किया, जिसकी वजह से रेडबुल केस हार गया और उसे पूरे $12 मिलियन का जुर्माना भरना पड़ा। रेडबुल को लेकर कंट्रोवर्सी यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर इस बात को कहा जाए तो ज्यादातर लोगों का मानना है कि इस बनाने वाले फॉर्मूला सिर्फ कंपनी जानती है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि रेडबुल बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। लोगों का कहना है कि इस ड्रिंक को बनाने के लिए एक बहुत बड़े बॉयलर में पानी जमा किया जाता है, जिसमें कैफीन और सोडियम सिट्रेट जैसी कंपाउंड डाले जाते हैं। इसके अलावा रेडबुल के अंदर कुछ ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं जिनका राज आज तक खुफिया रखा गया, और यही वो केमिकल है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि इस ड्रिंक के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में बुल का स्पर्म मिला जाता है, लेकिन कंपनी का ये कहना है कि रेड बुल एनर्जी ड्रिंक में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जाता। रेड बुल के अंदर मिलाए जाने वाले इंग्रेडिएंट्स कैन के ऊपर लिखे रहते हैं, और हम ऐसी कोई भी चीज उसमें नहीं मिलाते हैं जो लोगों से छुपाई जाए। हालांकि इस बात को स्वीकार किया कि वो रेड बुल को अपने खास फार्मूला से बनाते हैं, लेकिन उसमें कंपनी ने बिल्कुल भी नहीं कहा है कि फार्मूला के अंदर बुल का स्पर्म मिला जाता है। हालांकि लोग कंपनी द्वारा कही जाने वाली इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि कंपनी के लोगों में बुल बना हुआ है, जिसका ये साफ मतलब है कि इसके अंदर उससे जुड़ी कोई ना कोई चीज इस्तेमाल जरूर की जाती है। असल में दोस्तों, रेड बुल के अंदर टॉलिन नाम का एक कंपाउंड डाला जाता है, जो कि लोगों के बीच एनर्जी बूस्टर का काम करता है। इसीलिए लोगों के दिमाग में अफवाह फैलाई जा रही है कि रेड बुल के अंदर पाया जाने वाला ये टॉलिन बुल के स्पर्म से बनाया जाता है, जबकि सच्चाई ये है कि इसे किसी भी जानवर के सीमन से नहीं बनाया जाता, बल्कि लैब के अंदर बिल्कुल सिंथेटिक तरीके से तैयार किया जाता है। लेकिन फिर भी लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या वाकई में रेड बुल के अंदर जानवर का स्पर्म लाया जाता है, या फिर ये बात सिर्फ अफवाह है? जवाब हमें कमेंट सेक्शन में आकर बताएं।
क्योंकि दोस्तों इतनी सारी अफवाहों और विवादों के बावजूद भी रेडबुल एनर्जी ड्रिंक समय के साथ लगातार कामयाबी की ऊंचाइयां चढ़ती जा रही है, क्योंकि कंपनी के फाउंडर को पहले से ही मार्केटिंग की फील्ड में महारत हासिल थी और वो ये भी अच्छी तरीके से जानते थे कि विवादों और अफवाहों का इस्तेमाल किस तरह से अपने फायदे के लिए किया जाता है। और उन्होंने ऐसा ही किया। जितने भी विवाद रेडबुल को लेकर हुए उतनी ज्यादा सफलताएं इस एनर्जी ड्रिंक को मिलती रही। रेडबुल की सफलता का सबसे बड़ा श्रेय उसकी मार्केटिंग को जाता है और ये एक ऐसी कंपनी है जिसने शुरुआत से ही अपनी मार्केटिंग पर पूरा फोकस रखा और इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी बाकियों से काफी अलग थी, इसलिए रेडबुल कंपनी अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा मार्केटिंग पर खर्च करती है। रेडबुल ने शुरुआत से ही ऐसे नौजवान लोगों को अपने रडार में रखा है जो पार्टी और एडवेंचर करना पसंद करते हैं। उन लोगों को टारगेट करने के लिए रेडबुल ने कई अलग अलग तरह की मार्केटिंग टेक्निक्स अपनाई। अब जैसे कि स्कूल, कॉलेज, जिम जैसी जगहों के बाहर जानबूझकर ऐसी गाड़ियों को खड़ा कर देना जिसके ऊपर रेडबुल की एक बहुत बड़ी सी कैन रखी होती है, जहां लोग इन गाड़ियों को मुफ्त में ही रेडबुल लेकर सैंपल टेस्ट करने दे सकते थे। इतना ही नहीं, नौजवान लोगों की पार्टी में रेडबुल के फ्री में कैन बांटे जाते थे और रेडबुल कंपनी ने कई सारे नौजवान लोगों की पार्टी को स्पॉन्सर भी किया ताकि लोगों का ध्यान ज्यादा से ज्यादा रेडबुल की तरफ अट्रैक्ट हो। अगर स्पॉन्सरशिप की बात की जाए तो रेडबुल ने कई सारे स्पोर्ट्स जैसे कि विंडसर्फिंग, क्लिफ डाइविंग, रॉक क्लाइंबिंग और फार्मूला वन रेस जैसे खेलों को दिल खोलकर स्पॉन्सर किया है, क्योंकि नौजवान लोगों को सबसे ज्यादा दिलचस्पी इन्हीं तरह के खेलों में होती है और यही वजह है कि आज रेडबुल कोई एनर्जी ड्रिंक नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुका है। अपनी अनोखी मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाकर रेडबुल ने बहुत ही कम समय में काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की है। शुरुआत के समय में जहां रेडबुल पूरे साल में सिर्फ 1 मिलियन केन ही बेच पाती थी, वहीं 1997 तक आते आते रेडबुल हर रोज 1 मिलियन से भी ज्यादा केन बेचने लगी। इसके अलावा यहाँ दूसरी बड़ी कंपनियां बड़े खिलाड़ियों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाकर उनसे अपना प्रोडक्ट प्रमोट करवा रही थी, वहीं रेडबुल ने सोचा कि सिर्फ एक खिलाड़ी को पैसा देने से अच्छा है कि पूरी की पूरी टीम को खरीद लिया जाए और फिर उस टीम के सभी प्लेयर्स ने अपने ब्रांड से प्रमोट करवाया। इसी वजह से रेडबुल कंपनी ने अलग अलग स्पोर्ट्स टीम को खरीदा, जिसकी वजह से रेडबुल ने फुटबॉल, फार्मूला वन, आइस हॉकी और स्केटबोर्डिंग जैसे 11 अलग अलग स्पोर्ट्स की 17 से ज्यादा टीमों की खरीदारी की, जिसमें खेलने वाले सभी खिलाड़ी रेडबुल को पूरी दुनिया में प्रमोट करते हैं, जिसकी वजह से रेडबुल का मार्केट साल दर साल बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा रेडबुल दुनिया में बनाए जाने वाले अलग अलग तरह के वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी स्पॉन्सर कर चुका है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आप साल 2012 के रूप में देख सकते हैं, जिसमें ऑस्ट्रियन स्काई डाइवर फिलिक्स की स्पेस से करी जाने वाली जंप को भी रेडबुल ने ही स्पॉन्सर किया था और इस पूरे प्रोजेक्ट पर कंपनी ने $50 मिलियन खर्च किए और ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जिसे तोड़ना किसी के भी बस की बात नहीं है। इन्हीं सारे कारणों से आज रेडबुल टॉप एनर्जी ड्रिंक बना हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।